हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज हमने अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखा, नीचे के लेवल बहुत ही रिकॉर्ड लेवल पे ओपनिंग होती हुई देखी, उसके बाद में अच्छी खासी रिकवरी भी देखी। निफ्टी जो है तो 17,073 पे बंद हुआ है, लगभग 131 पॉइंट लॉस के साथ, 0.75% लॉस के साथ हम बंद हुए आज के लिए। तो चलो देखते हैं कि चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है और कल के लिए क्या ट्रेड हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस वीक के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 200 पॉइंट नीचे, लगभग 1.1% डाउन। और यहाँ जो है तो हमें दोनों तरफ की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। यहाँ नीचे के लेवल पे निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है जो कि सुपर ट्रेंड है, और ये सुपर ट्रेंड का लेवल है लगभग 16,900। मैंने कहा था कि 16,900-800 पे जो है तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, वो सपोर्ट इतने जल्दी टूटेगा नहीं, उसके लिए कोई ना कोई सॉलिड रीजन लगेगा या फिर गैप डाउन ओपनिंग लगेगी, उस एरिया के नीचे ओपन होना पड़ेगा हमें, तभी वो टूटेगा, नहीं तो वो टूट ही नहीं रहा। इसका मतलब जो है तो बुल्स बहुत ही स्ट्रांग है उस जगह पे, और हर एक टाइम वहाँ जो है तो अच्छी खासी बाइंग आ जाती है और शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो जाती है वहाँ। तो यह इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस बार हम कामयाब होते हैं कि नहीं। बाकी का चार्ट पैटर्न देख के हम पता लगा सकते हैं उसका। अभी देखते हैं डेली चार्ट पे किस तरह से दिख रहा है निफ्टी। तो निफ्टी जो डेली चार्ट पे है आप देख सकते हो कि हमने गैप डाउन ओपनिंग की थी, गैप अप जो गैप था वो फिल किया, फिर ऊपर के लेवल जो है तो जो मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, और फिर से हम जो है तो नीचे के लेवल देख रहे हैं। मगर यह दिक्कत की एक बात है कि यह हमने अभी डबल बॉटम बना लिया है, और ये जो अभी जो आज की जो क्लोजिंग है ये ग्रीन कैंडल है, क्योंकि हम ओपन बहुत नीचे हुए थे, क्लोज ऊपर हुए हैं। हालांकि हम लॉस में बंद हुए हैं क्योंकि पिछला जो क्लोज था उसके कंपैरिजन में हम लॉस में बंद हुए हैं, मगर जो ओपन और क्लोज है दिन का वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। और यहाँ देख सकते हो आप कि आज का लो था लगभग 16,850 और हाई था 17,150 के तरफ, तो लगभग 300 पॉइंट की रेंज। तो यहाँ अच्छी खासी रिकवरी हमने लोअर लेवल से देखी, और यहाँ ये दिखाता है कि निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। मगर यहाँ और एक दिक्कत भरी बात ये भी है, यहाँ बुल्स के लिए एडवांटेज ये है कि यहाँ हमने डबल बॉटम बना लिया है, और बाकी जो है तो ये जो ग्रीन कैंडल ब्लू कैंडल दिख रही है ये बुलिश कैंडल है। मगर यहाँ इंडिकेटर पे हम अभी भी बेरिश है, और हो सकता है कि यहाँ जो है तो हम फिर से ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आ सकते हैं, तो कल के लिए इंटरेस्टिंग डे हो सकता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये चार्ट देखकर नीचे के लेवल पे बहुत मार्केट रिजिलियंट है, यहाँ जो है तो जो शॉर्ट बना रहे हैं, अगर आपको शॉर्ट करना है तो ऊपर के लेवल पे कीजिए, नीचे जो शॉर्ट बना रहे हैं उनको सबको ट्रैप कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं आवरली चार्ट पे, तो कल के लिए क्या ट्रेड हो सकता है हमें वो आवरली चार्ट पे पता चलेगा। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ने क्यों सपोर्ट लिया, तो ये पिछले मंथ का लो था, तो पिछले मंथ के लो से हम बाउंस बैक किए हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल है। अभी यहाँ ये दिक्कत भरी बात ये है कि हम यहाँ जो है तो साइडवेज हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर के तरफ बहुत ज़्यादा सप्लाई है। तो यहाँ आपको देखना है कि अगर निफ्टी जो है 17,150 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको लॉन्ग जाना है, 17,150 के ऊपर लॉन्ग जाना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 17,000 के नीचे, जरा स्टॉप लॉस बड़े रहेगा, क्योंकि अभी जो विक्स चल रहा है हमारा वो है लगभग 27 के अराउंड। ऑलरेडी हमने आज 20-25 पट्टा का ऊपर देखा था उसको, और थोड़ा सा कूल ऑफ होके हम 26 पे बंद हुए हैं, तो यहाँ वोलेटिलिटी बहुत एट द पीक रहेगी, तो इसके वजह से स्टॉप लॉस बहुत डीप लगाने पड़ेंगे। मगर अगर निफ्टी 17,150 को क्रॉस कर लेता है तो हम जाएंगे 17,400 की तरफ। तो कल के लिए ट्रेड रहेगा मेरा प्योरली इन द बेसिस पे कि हम 17,150 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, जो छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उनके लिए 17,050 का, जो डीपर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उनके लिए 17,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट बनेंगे मुझे लगता है कि 17,400 को जा सकता है। मगर यहाँ दोनों तरफ की वोलेटिलिटी रह सकती है, और अगर हम 150 को क्रॉस नहीं कर पाए, अगर निफ्टी 150 को क्रॉस नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो हम जाएंगे 16,700 के लेवल पे, और 16,700 अगर टूट जाता है तो हम जाएंगे लगभग 16,500 की तरफ। तो यहाँ दोनों तरफ के ट्रेड हैं, आपको देखना है कल के लिए जो लक्ष्मण रेखा है वो है 17,150 की। आप देख सकते हो आज भी हमने उसको टच किया, वहाँ से नीचे बंद हुए,
उसके नीचे ही बंद हुए और लास्ट जो आवरली कैंडल है वो रेड है। तो यहाँ दिक्कत भरी बात यह है कि 17,150 पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस होता है तो ही लॉन्ग जाइए, अगर क्रॉस नहीं होता है तो हमको फिर से जो है तो हो सकता है कि 16,700 और 16,500 के टारगेट हमें आने वाले 2-3 दिन में दिख सकते हैं। और यहाँ जो है तो ओवर नाइट बहुत ही वोलेटिलिटी रह सकती है क्योंकि न्यूज़ फ्लो उस तरह से आ रहे हैं, मगर यहाँ जो छोटे छोटे चार्ट है उस पर ओवरसोल्ड लग रहा है निफ्टी, इसके वजह से हमने बाउंस बैक किया और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी। आज का जो मूव था ये शॉर्ट कवरिंग थी, अभी यहाँ देखना है कि बायर्स आते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक गिर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपका पोर्टफोलियो है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, जो इन्वेस्टर है उनको बहुत ही दिक्कत होने वाली है, जिस तरह से स्टॉक को सेल ऑफ हो रहा है स्टॉक्स में आपको बहुत ही दिक्कत हो सकती है। और यहाँ जो है तो जिन्होंने मिस किया था पिछला बुल रन या फिर जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है उनके लिए अच्छी बात यह है कि आपको री एंट्री का मौका दे रहा है मार्केट, तो छोटा छोटा आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में जो अच्छे खासे ब्लू चिप स्टॉक है जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC विप्रो, इन्फी, इस तरह से इन स्टॉक में आपको रहना है और वो छोटे छोटे क्वांटिटी में ऐड कीजिए, आपको लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छे गेंस दिखाई देंगे, आपको उसमें ट्रेड भी मिलेगा, इवन आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा उसमें, सिर्फ आपको जो है तो छोटे छोटे क्वांटिटी में आपको उसमें एक्युमुलेट करना है और क्वालिटी में रहना है, मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहिए। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ स्मॉल कैप का, ये BSE स्मॉल कैप का चार्ट है और इसका अगर डेली चार्ट देखोगे आप, वन सेक लोड हो रहा है, ये BSE स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है और डेली चार्ट है, आप यहाँ देखोगे हम लुढ़क चुके हैं 200 डेज एवरेज के नीचे, तो ये बहुत ही बेरिश साइन है। आपको आपके लिए सलाह रहेगी कि बिल्कुल हाथ मत लगाइए ये स्मॉल कैप स्टॉक को, यहाँ से उसका जो यहाँ से बाउंस बैक आ सकते हैं, अगर बाउंस बैक मिलते तो उसमें जो है तो अगर आपने पोजीशन बनाई होगी तो उसको निकलने के लिए यूज़ कीजिए। मेरे हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप से आपको दूर रहना चाहिए कम से कम आने वाले 1.5 से 2 साल के लिए, सिर्फ ब्लू चिप में खेलिए और ब्लू चिप में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी मिड कैप का देखते हैं, मिड कैप का भी जो चार्ट है वो सेम चार्ट है, आप देख सकते हो हम 200 डेज एवरेज अच्छे खासे गैप डाउन ओपनिंग के साथ, या हम क्लोजिंग जो है तो नीचे से रिकवरी दिख रही है, मगर मुझे लगता है कि ये भी सोल्ड ऑफ होगी और हो सकता है कि हमें अच्छे खासे नीचे के लेवल आते हुए देख सकते हैं हम स्मॉल कैप और मिड कैप में। और मेरी सलाह रहेगी कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप में बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छे खासे ब्लू चिप स्टॉक है ब्लू चिप स्टॉक में रहिए, उनमें आपको अच्छे खासे मौके भी मिलेंगे और आपके अच्छे खासे पैसे भी बनेंगे। तो कल के लिए 17,150 उसके ऊपर बुलिश रहेंगे, उसके नीचे जो है अगर उसके नीचे सस्टेन करता है मार्केट तो हम फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे, अगर 17,150 के नीचे रहता है तो 250 का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, नीचे जो टारगेट बनेगा हमारा स्विंग टारगेट 16,700 और उसके बाद में 16,500, और ये जो टारगेट है ये आने में 3 से 5 दिन लग सकते हैं अगर आपको ये ओवरनाइट कैरी करना है। तो हमने निफ्टी का जो है तो आवरली डेली और वीकली चार्ट देखा और कल के लिए ट्रेड भी देखे, तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।